नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जो नए डॉग ओनर अपने पप्पी को लेके आते हैं और उन्हें दिक्कत होती है। उनका पप्पी यहाँ वहाँ कहीं भी पोटी कर देता है, अंदर कमरे में या कहीं भी पोटी कर देता है। तो आज मैं उसका सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि आपका पप्पी कब पोटी करेगा और कब आपको उसे पोटी के लिए जहाँ आपको पोटी करानी है वहाँ लेके जाना है। तो दोस्तों, आप जब भी अपने पप्पी को खाना देते हैं, खाने के बाद 5-10 मिनट बाद ही आपका पप्पी पोटी करेगा, तो आपको जहाँ भी उसे पोटी करानी है, जैसे कि आपको जहाँ भी पोटी करानी है, जैसे छत पर करानी है तो आप छत पर ले जा सकते हो अपने पप्पी को, या आंगन में करानी है या बाहर मैदान में करानी है तो आप वहाँ ले जाके उसको घुमा दीजिए, तो वहाँ कर सकता है, वो आराम से पोटी कर लेगा। और ये चीज़ ना करें कि जब आप पप्पी को लेके आते हैं और डायरेक्ट उसको बाहर पोटी कराने ले जाएँ, क्योंकि जब तक उस बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक आप बाहर उसको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर ले जाने से उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसका टीकाकरण नहीं हुआ है। जब टीकाकरण हो जाएगा तब आप उसको बाहर टहलाने ले जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कब पोटी करेगा, ये आज मैं उसको आपको बताता हूँ कि जब भी आप खाना देते हैं अपने पप्पी को, उसके 5-10 मिनट बाद ही आपका पप्पी पोटी करने जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपका पप्पी सो के उठता है तो उठने के बाद ही टॉयलेट या पोटी करता है। तो सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, जब भी आपका पप्पी सो के उठता है, आप उसको या तो छत पर छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, टहला दीजिए, या आंगन में छोड़ दीजिए जहाँ भी आपको पोटी करानी है, या बाहर मैदान में छोड़ सकते हैं आप उसको। तो बस सिंपल सा तरीका है, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, उन लोगों के लिए वीडियो है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपको पप्पी पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी पप्पी को अपने खाना देते हैं, उसके 5 मिनट बाद ही आप अपने पप्पी को बाहर ले जाइए और वो पोटी कर देगा। और सिंपल सा तरीका है ये, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो इस चीज़ को ट्राई करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।